कस्बे के इस्लामिया स्कूल में चला प्रशासन का बुलडोजर। विद्यालय प्रबंधन की गैर मौजूदगी में 3 JCB से ध्वस्त की इमारत। 2 घंटे बाद पहुंचे प्रधानाचार्य द्वारा दस्तावेज दिखाने पर रुका ध्वस्तीकरण। धार्मिक ग्रंथ व अन्य किताबें निकालने के लिए वक्त न देने का आरोप। मलबे से पवित्र कुरान बटोरते दिखे इलाकाई लोग। जी हाँ, आपको बता दें, घाटमपुर के चर्चित इस्लामिया इंटर कॉलेज की बिल्डिंग पर बुधवार को प्रशासन का बुलडोजर चला। विद्यालय प्रबंधन की गैर मौजूदगी में 3 बुलडोजर व PAC बल के साथ पहुंचे अधिशासी अधिकारी उमेश मिश्रा ने विद्यालय परिसर के दरवाजे को ध्वस्त कराने के बाद विद्यालय में लाइन से बनी 12 कक्षाओं व एक छोटी लाइब्रेरी को ध्वस्त करा दिया। इसी दौरान जानकारी होने पर कस्बे के कई दर्जन सम्मानित लोग व आधा दर्जन सभासद भी मौके पर पहुंचे और विद्यालय के प्रबंधन के आ जाने तक ध्वस्तीकरण रोक दिए जाने का निवेदन किया, परंतु कोई सुनवाई नहीं हुई। इसी दौरान जल्दबाजी में EO उमेश मिश्रा ने विद्यालय परिसर में बनी मस्जिद को दीवार पर भी बुलडोजर चलवा दिया, जिस पर इलाकाई लोगों ने एतराज जताया। पालिका के EO उमेश मिश्रा के मुताबिक विद्यालय का एक हिस्सा धारा 32 के अंतर्गत सुरक्षित जमीन पर निर्मित था। इसी दौरान धराशायी इमारत के मलबे में कुछ लोगों को पवित्र कुरान के हिस्से नजर आए। लोगों ने उन्हें उठाना शुरू किया तो हड़कंप मच गया। मौके पर पवित्र कुरान के कई फटे टुकड़ों के साथ करीब 100 हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू की पुस्तकें भी मिली, जिस पर लाइब्रेरी से पुस्तकों व फर्नीचर निकलने के लिए वक्त न देने का आरोप लगा। इलाकाई लोगों ने हंगामा करना भी शुरू कर दिया उसके बाद, और लोगों ने वीडियो वायरल कर दिए, जिसमें कुछ लोग व उप जिलाधिकारी सभी पुस्तकों को सुरक्षित रखवाने का प्रयास कर रहे हैं। तभी कुछ देर बाद विद्यालय के प्रधानाचार्य समस्त दस्तावेजों के साथ कानपुर स्थित अपने घर से चलकर विद्यालय पहुंच गए और SDM आयुष अचान व लेखपाल आदेश कुमार को दस्तावेज दिखाने शुरू कर दिए, जिस पर क्षेत्राधिकारी सुशील दुबे ने ध्वस्तीकरण रुकवा कर दस्तावेज देख लेने के बाद कार्यवाही शुरू करने का प्रस्ताव रखा, जिस पर EO उमेश मिश्रा व उप जिलाधिकारी आयुष चौधरी मान गए। परंतु तब तक विद्यालय परिसर की बड़ी इमारतें धराशायी हो चुकी थी। प्रधानाचार्य हाजी इंतजार ने बताया कि अब तक विद्यालय को कवरेज 5 करोड़ का नुकसान हो चुका है। विद्यालय को जनता से चंदा लेकर बनाया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN। आज घाटमपुर कस्बे में सरकारी सार्वजनिक भूमि खाद के गड्ढे खेल के मैदान में इस्लामिया हायर सेकेंडरी स्कूल के नाम से अवैध कब्जे को नगर पालिका परिषद घाटमपुर द्वारा हटाया गया। इस दौरान किसी भी प्रकार से शांतिपूर्वक ढंग से ये कार्यवाही संपन्न कराई गई और किसी भी प्रकार से किसी धार्मिक ग्रंथों के साथ छेड़छाड़ या किसी भी प्रकार के अपमानजनक कार्यवाही जैसी कोई भी घटना यहाँ पर कारित नहीं की गई है। पूरी कार्यवाही के दौरान शांति व्यवस्था बनाई रखी गई